हाल ही में रेखा तब खूब चर्चा में रही थी जब उनकी और संजय दत्त की शादी की खबरें मीडिया में आई थी। यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के हवाले से ऐसा दावा किया गया था कि एक फिल्म के सेट पर उन्होंने संजय दत्त से शादी कर ली थी। हालांकि यह दावा गलत निकला। वैसे रेखा के संबंधों को लेकर अक्सर तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। कुछ समय पहले फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप की बुक यूरेखा का हवाला देते हुए उन्हें बायसेक्सुअल बताया गया था। रेखा के साथ अक्सर पार्टियों, इवेंट्स, अवार्ड शोज, यहां तक कि संसद में भी एक लेडी को देखा जाता है। इस लेडी का नाम फरजाना है। दोनों के संबंधों को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती रही हैं। मोहनदीप ने बुक में रेखा की रहस्यमय जिंदगी के बारे में लिखा है। बुक में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण रेखा और फरजाना के संबंधों का है। इसे पढ़कर रेखा के प्रशंसकों को आघात लगेगा, ये भी तय है। बुक के मुताबिक रेखा के संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से हैं। इतना ही नहीं, रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की जिम्मेदार भी फरजाना को ही माना गया है। रेखा के बेडरूम में जाने की इजाज़त हर किसी को नहीं है। यहाँ रेखा की एक अलग ही दुनिया है। वैसे रेखा के काफी करीबी लोग इस बेडरूम में आ जा सकते हैं। फरजाना को भी यहाँ आने जाने की पूरी छूट है। रेखा और फरजाना के संबंधों पर मालविका संघवी लिखती है, रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट है। फरजाना रेखा की आंख, नाक, कान, सलाहकार और मददगार की भूमिका निभाती हैं। रेखा उनके बिना नहीं रह सकती। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।